नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो केवीएस, सीटेट, एसटेट सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप केवीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो आप ये पॉइंट बिल्कुल मिस ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट जरूर दें। तो गाइज, आइए शुरू करते हैं। तो अभी हमारे सामने पहला क्वेश्चन है और ईवीएस का ही काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या है। क्वेश्चन सीधा ये भी आ सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या है। तो गाइस, ये क्या है? एक वेट लिफ्टर है। आप ध्यान रखें, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है और कहां से रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की, मतलब ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। ये भी आप ध्यान रखें, भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं और ये एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और आपको एक बात और बता देता हूं, 130 केजी तक इन्होंने वेट उठाया है। और अब ये कहां रहती है? यमुनानगर, हरियाणा में। अब ये अपने हस्बैंड के साथ यमुनानगर, हरियाणा में रहती हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी से जुड़े हुए काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, इवन सीटेट में भी आए, तो ईवीएस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद चीटियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है चीटियों से जुड़े हुए भी काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चीटियों का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, चीटियां मिलजुल कर रहती हैं, जो चीटियां होती हैं वो मिलजुल कर रहती हैं। रानी जो चीटियां होती हैं वो क्या करती हैं? अंडे देती हैं। और जो सिपाही चीटियां होती हैं वो क्या करती हैं? बिल का ध्यान रखती हैं। मतलब जो चीटियां होती हैं उनका भी काम बटा होता है और वो भी मिलजुल कर रहती हैं। रानी चीटी क्या करेंगी? अंडे देंगी। सिपाही चीटी क्या करेंगे? बिल का ध्यान रखेंगी। और दीमक और ततैये, दीमक हो गया, ततैया हो गया, तो ये भी इसी तरह काम करते हैं, मतलब समूह में रहते हैं और इसी तरह वो काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मलयालम। मलयालम में क्या है कि वली अम्मा, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। जो वली अम्मा है वो मलयालम भाषा का एक शब्द है, तो उसका अर्थ क्या है? मां की बड़ी बहन। मतलब मलयालम में वली अम्मा मां की बड़ी बहन को कहते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है यहां पे कि जो गोवा है, गोवा से अगर आप केरल जाते हैं तो इस रास्ते में आपको 92 सुरंग मिलेंगी, मतलब 92 सुरंगे आपको मिलेंगी और 2000 पुल मिलेंगे। ये मतलब बहुत बड़ी बात है और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है। तो गोवा से केरल जाने में 92 सुरंगें मिलेंगी आपको और 2000 पुल मिलेंगे, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज जिला है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम का जिला है, वो किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। इत्र मतलब परफ्यूम के लिए फेमस है। यहां पे मतलब फूल मंगाते हैं लोग, मतलब फूल आते हैं ट्रकों में भर भर के, और यहां पे क्या होता है? इत्र और गुलाब जल बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। यहां पे मतलब फूल मंगाए जाते हैं और यहां पे गुलाब जल और इत्र उनसे बनाया जाता है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखें, तो बिश्नोई है, बिश्नोई राजस्थान में होते हैं और ये पेड़ों और पशुओं की रक्षा करते हैं। बिश्नोई राजस्थान में होते हैं और ये पेड़ों और पशुओं की रक्षा करते हैं, मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ये। इसके बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि फूलों की घाटी कहां है, तो उत्तराखंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत फास्ट बता रहा हूं, आप आराम से इनको बाद में देख सकते हैं, एक दो बार वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरे क्लियर हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हाथियों के झुंड में हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, ये आप ध्यान रखें। हालांकि मैंने हाथियों के बारे में आपको पहले भी बताया था कि एक हाथी 100 किलो से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखें। तो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें कौन रहते हैं? हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, आप ये ध्यान रखें। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड को
मतलब उस झुंड का नेतृत्व करती है। सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। झुंड में क्या होता है, 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, मतलब 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं उस झुंड में। और हाथी 14 से 15 साल ही झुंड में रहता है, ये भी आप ध्यान रखें। और बाद में क्या होता है, 14 से 15 साल का हुआ तो वो झुंड को छोड़ देता है, लेकिन फीमेल झुंड में रहती है, ये आप ध्यान रखें। हाथी मुसीबत में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूं एक बार, पहले मैंने आपको बताया था कि जो हाथी होता है, आप ध्यान रखें, हाथी 100 किलो से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है, एक दिन में इतनी झाड़ियां और पत्ते वो खा सकता है। इसके बाद है, हाथियों के झुंड में कौन होते हैं, हथनियां और बच्चे ही होते हैं। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो क्या करती है, पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, मतलब पूरे झुंड की वो लीडर होती है, नेता होती है। झुंड में क्या होता है, 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। और एक जो हाथी होता है वो 14 से 15 साल ही झुंड में रहता है, बाद में वो क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है। और हाथी क्या होता है कि मुसीबत आने पे एक दूसरे की वो मदद भी करते हैं। इसके बाद है, मधुमक्खी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो मधुमक्खी पालने का जो अच्छा समय होता है, सही समय होता है, वो क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर का सही समय होता है। और इस समय में क्या होता है, मधुमक्खी अंडे देती हैं। तो गाइस, और मधुमक्खी से जुड़े हुए भी कुछ बातें हैं, जैसे मधुमक्खी में भी ऐसे होता है, रानी मधुमक्खी हो गई, और इसके बाद जो सिपाही हो गई, इस तरह मजदूरी कर रही है, इनमें भी काम बटा होता है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं मधुबनी चित्रकला, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मधुबनी चित्रकला आप देख सकते हैं अभी, तो सबसे पहले जो मधुबनी जिला कहां पे, ये बिहार में है। मधुबनी जिला कहां पर है, बिहार में है। त्योहारों पर और खुशी के अवसर पर क्या होता है, लोग यहां पर घर की दीवारों पर और आंगन में क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। सुन लीजिए आप, जो मधुबनी चित्रकला है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मधुबनी नाम का एक जिला है, वो बिहार के अंदर है। त्योहारों और खुशी के अवसर पर क्या करते हैं लोग यहाँ पर, घर की जो दीवार है, आंगन है, उनमें क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। और ये चित्र किसके होते हैं, जानवरों के हो गए, इंसानों के हो गए, पेड़ पौधों के हो गए, पक्षियों के हो गए, इनके ये चित्र बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ये चित्र बनते हैं, यह आप तो देखने वाली बात है, ये जो चित्र बनाते हैं ये क्या होते हैं, चावल के घोल होता है, चावल को पीस के उनका घोल बनाया जाता है। उस घोल में क्या करते हैं, ये रंग मिलाते हैं, पीसे हुए चावल हैं उनके घोल में रंग मिलाकर ये क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, मधुबनी चित्रकला यही होती है। असम में घर बांस के खंभों पर बने होते हैं, जो असम है वहां पे घर बांस के खंभों पे बने होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बारिश ज्यादा होती है तो घरों को मतलब खंभों के ऊपर बनाते हैं, जैसे लकड़ी के घर बना रहे हैं वो, तो वो खंभों के ऊपर बना देते हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे खंभे होंगे तो उन खंभों के ऊपर वो क्या करते हैं, घर बना देते हैं। मनाली में क्या होता है, मनाली में पत्थर और लकड़ी की बनी छतों वाले घर होते हैं, मतलब लकड़ी और पत्थर की छत होती है, उनसे बने हुए घर होते हैं। इसके बाद राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं और छत कैसी होती है, कटीली झाड़ियों से बनी होती है, यह भी आप ध्यान रखें। इसके बाद बात करें लद्दाख की, लद्दाख में पत्थर से बने घर होते हैं और फर्श और जो छत होती है वो लकड़ी की बनी होती है, मतलब घर तो पत्थर के होंगे लेकिन फर्श और छत कैसी होगी, लकड़ी की बनी होती है। इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग होता है, आपको पता होगा क्वेश्चन आ जाए कि ऊंट गाड़ी का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां होता है, तो राजस्थान में होता है। असम में क्या होता है, बांस से बना हुआ पुल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होता है, बारिश हो गई तो वहां बांस से बने हुए पुल होते हैं। तो आप ये समझ सकते हो, क्योंकि घर की भी बात हो रही थी, तो घर किस पे बने होते हैं, बांस के खंभों पे बने होते हैं, तो आप समझ सकते हैं जो पुल भी होंगे वो बांस से बने होंगे। इसके बाद है लद्दाख,
लद्दाख में होती है ट्रॉली, लकड़ी से बनी एक झूला होती है, जैसे आपने देखा हो एक ट्रॉली होती है और एक रस्सी सी होती है, उस पे वो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें बैठ जाते हैं ट्रॉली में और एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं। मैदानी इलाकों में क्या होता है, बैलगाड़ी का प्रयोग होता है, जो मैदानी इलाके होते हैं उनमें क्या होता है, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है उत्तराखंड में क्या होता है, पथरीले रास्ते होते हैं, उत्तराखंड में पथरीले रास्ते होते हैं। तो ये भी उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो गाइस होपफुली आपको ये समझ आया होगा, और कल एक न्यू लेसन के साथ, न्यू पॉइंट्स के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। तो गाइस गुड बाय, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स जरूर दें। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।